ओम शांति। जब हद के आशिकी अनुभव करते हैं कि जहां है वहां तू ही तू है, हद के आशिक, बताओ आप, जब वो ये अनुभव कर सकते हैं और वह सर्वशक्तिवान नहीं है लेकिन बाप सर्वशक्तिवान है, साकार शरीरधारी नहीं है, सर्वशक्तिवान है वो, साकार शरीरधारी नहीं है कि जिसकी लिमिट होगी यहां 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 से, लेकिन जब चाहे जहां चाहे सेकंड में पहुंच सकते हैं। आपको क्या लगता है बाबा आपको मदद नहीं कर सकते? कोई स्थूल शरीर की जरूरत है उनको, वो तो सेकंड में पहुंच सकते हैं आपको मदद करने के लिए, बाकी आपकी नजर होनी चाहिए उस पर। ऐसे नहीं समझो कि कर्म योगी जीवन में लवलीन अवस्था नहीं हो सकती, ऐसा नहीं समझो। आपको ऐसा तो नहीं लगता कि ये इम्पॉसिबल है? है इम्पॉसिबल ऐसे कि कर्म योगी जीवन के अंदर, माना कर्म करते रहेंगे तो उसमें लवलीन, मेरे को तो समाधि चाहिए, मेरे को समाधि चाहिए, समाधि चाहिए, समाधि, मतलब मैं तो 8 घंटे का योग करूं और अगर मेरे लिए कोई कर्म है, मैं 8 घंटे का योग कर रही हूं, मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए, ये कोई बॉम्ब बनाने के लिए थोड़ा बैठे हो तुम 8 घंटे का योग करने जा रहे। 8 घंटे क्या है, कोई एकदम कॉन्टिन्यूटी थोड़ा बैठना है एकदम आपको, सारे 24 घंटे में 8 घंटे का योग करना है आपको, है ना। आप कोई और भी कर्म करिए, दूसरे भी करिए, पर आपकी योग की जो स्थिति है वो आपको लवलीन अवस्था की अनुभूति कराए। बताओ, ऐसे नहीं समझो कि कर्म योगी जीवन में लवलीन अवस्था नहीं हो सकती, होती है। इसीलिए बाबा कई बार एग्जाम्पल भी देते हैं आशिक माशूक का, क्या वो कारोबार नहीं करते हैं? उनको तो उसी की याद आती है, तो बहुत बार बाबा ने उनका एग्जाम्पल दिया है। तो जब वो कर सकते हैं तो आप क्या नहीं कर सकते? सात का अनुभव अर्थात लव का प्रैक्टिकल सबूत साथ है, तो सहज योगी सदा के योगी हो गए ना। अच्छा, ओम शांति।